आपण पाहतात इंडियन टीव्ही न्यूज. इंडियन टीव्ही न्यूजच्या बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे. चला तर नजर टाकायचं काही विशेष घडामोडींवर. इंडियन टीव्ही न्यूजचे व्हिडिओज नेहमी पाहण्यासाठी बेल कीला प्रेस करा आणि सबस्क्राइबर बना. नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कल्याण शहरात अनेक ठिकाणी पूर परिस्थिती निर्माण झाली होती. यावेळी अनेकांच्या घरात पाणी शिरल्याने रहिवाशांचे प्रचंड नुकसान झाले. रेतीबंदर विभागातही या पाण्याच्या कहराने नागरिक बेजार झाले होते. घरातील इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, भांडी, कुंडी, अन्नधान्य अशा वस्तूंचे यात मोठे नुकसान झाले. सदर बाधितांना शासनातर्फे मदत मिळावी यासाठी काँग्रेसचे अल्पसंख्याक विभागाचे कल्याण जिल्हाध्यक्ष सलीम शेख यांनी उपाध्यक्षा शिफा महशर व उपाध्यक्ष सुशील प्रसाद यांच्यासमवेत आज कल्याण तहसीलदारांची भेट घेऊन नुकसानग्रस्तांना मदत मिळावी या मागणीचे निवेदन त्यांना सादर केले. असं आहे की 21 जुलै को रात में तकरीबन 11:30 बजे हाई टाइड हुई था और ऊपर से कुछ बारिश का पानी सैलाब की जिस तरह से होता है वैसा हुआ है और उसमें तकरीबन रेती बंदर का जो एरिया है वो लो लेवल होने की वजह से उसमें 7 से 8 फुट पानी पूरे रेती बंदर एरिया में था और उधर के जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं जो रोज़ मजदूर है काम करके रोज़ अपना पेट पालने वाले उन लोग का पूरा सामान पूरा राशन पानी सब उसके अंदर बह के चला गया और तकरीबन ये रात 22 तारीख को रात के तकरीबन 12 बजे तक ये पानी था उधर और उसी माध्यम से हम लोग आए कि ये जो गरीब झुग्गी वाले हैं इनको कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए और इसके लिए अभी हमने जाके तहसीलदार को लेटर दिया है और उनसे रिक्वेस्ट किया है, निवेदन किया है कि ये जो लोग हैं इनको जल्दी से जल्दी इनका पंचनामा करें और पंचनामा करके इनको सहायता करने की कोशिश पूरी करें. तो ये हमारी इनसे मांग है और ये तहसीलदार के जरिए सरकार तक ये मांग पहुँचाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं. मैं कल्याण डोंबिवली शहर का जिला अध्यक्ष हूँ. माइनोरिटी नाते से और मेरे सारे लोग हैं, सपा मिनिस्टर जिला उपाध्यक्ष है कि हमारे सुशील प्रसाद जिला उपाध्यक्ष ये भी है. तो हम लोग ज़्यादा लोगों को लेके नहीं आना है इसलिए नहीं सोचे समझा कि कोरोना का टाइम चला है तो इसलिए इधर गर्दी नहीं होना चाहिए ज़्यादा करके. हम लोग इसलिए लोग आए और इसी माध्यम से हमने इनको निवेदन किया है और हमें ये दरखास्त है कि जल्दी से जल्दी ये काम हम लोग पूरा करें. मेरा नाम शिफा मैशर है, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ, कल्याण डोंबिवली शहर अल्पसंख्या विभाग से हूँ. हमने जो ये जिस दिन 21 तारीख को जो बहुत हाई टाइड जो होने की वजह से जो पानी भर गया था उस हालात में लोगों को क्या स्थिति थी उनकी वो हमने अपनी नज़रों से देखा है. और जैसा आप जानते हैं जो कोरोना जैसी COVID-19 की जो महामारी चालू है लोग उससे कितने परेशान हैं, लोगों के लोग बेरोज़गार हो गए हैं और ऐसे हालात में लोगों का जो भी था उनका खाने पीने का सामान, फिर घर में जो भी फर्नीचर मतलब उनका बेड वेड सब खराब हो गया, घर आधे से ज़्यादा लोगों का डूब गया. तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोग इससे फेस हो चुके हैं उनको सबको भरपाई, उनको रिलीफ मिले और उनके हक के लिए हम लड़ेंगे और उनका हक उनको दे के रहेंगे. और हमें तहसील ऑफिस से पूरी आश्वासन मिली है कि उनका हक उनको मिलेगा, उनको भरपाई मुआवजा करके दिया जाएगा. दरम्यान पावसामुळे नुकसान झालेल्यांचे पंचनामे करण्याचे आदेश तलाठी व इतरांना दिले असल्याचे तहसीलदार दीपक आखाडे यांनी सांगितले. तालुक्यामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे पावसांमुळे नागरिकांचं नुकसान झालं असेल, घराचं असेल, शेतीचं असेल, तर दोन्ही नुकसानीच्या संदर्भात सर्व संबंधित तलाठ्यांना, ग्रामसेवकांना आणि कृषी सहाय्यकांना या सर्वांना पंचनामे करण्याचे आदेश पारित करण्यात आलेले आहेत आणि त्या पद्धतीने पंचनामे चालू आहेत. ब्युरो रिपोर्ट, इंडियन टीव्ही न्यूज. या होते इंडियन टीव्ही न्यूज. तुम्हाला आमची संपर्क साधायचा असल्यास स्क्रीनमध्ये दिलेल्या क्रमांकाशी संपर्क साधू शकता. 9320420420. तर आता वेळ झाली निरोप घेण्याची. उद्या पुन्हा भेटूया याच ठिकाणी. तोपर्यंत धन्यवाद.